आगरा फिरोजाबाद स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी चुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले जा रहे हैं। आगरा और फिरोजाबाद दोनों जिलों में 25 बूथों पर मतदाता आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आगरा फिरोजाबाद स्थानीय प्राधिकरण एमएलसी चुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले जा रहे हैं। आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो तीसरे पहर 4 बजे तक चलेगा। एमएलसी चुनाव में भाजपा सपा सहित कुल 5 प्रत्याशी मैदान में है। आगरा और फिरोजाबाद दोनों जिलों में 25 बूथों पर 3,922 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। आगरा में 2,323 वोटर हैं, जिसमें 1,421 पुरुष और 902 महिलाएं शामिल हैं। मतदान करने वालों में सांसद, विधायक, पार्षद, बीडीसी, प्रधान, महापौर, जिला पंचायत सदस्य शामिल हैं। प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। मतदान के बाद आगरा के टुंडला रोड मंडी में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में मत पेटिकाओं को जमा कराया जाएगा। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पर्याप्त संख्या में बीएसएफ और पुलिस बल को भी तैनात कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराए जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी विजय शिव हरे ने अपनी जीत का दावा किया है। वहीं भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर भाजपा की जीत का दावा किया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से सज्जन सागर की रिपोर्ट। आज मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ है और आज जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान यहाँ चल रहा है। ऐसा ही बाकी 15 अन्य जगह जहाँ जनपद में मतदान हो रहा है, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और शांतिपूर्ण ही रहेगा। निश्चित रूप से हर सीट महत्वपूर्ण होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इस सीट पर कोई चुनाव नहीं हो रहा। जो विपक्षी हैं वो कहीं मैदान में नहीं है, कहीं भी दूर दूर तक, और इस सीट पर माननीय शिवारे जी की बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी। मुझे लगता है कि सम्मानित मेरे जो मतदाता हैं, बीडीसी हो, प्रधान हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, महापौर हो, पार्षद हो, चेयरमैन हो, सभासद हो, जो वो मुझे वोट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मोदी और योगी जी के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए, चौमुख विकास के लिए, सुरक्षा, विकास, सुशासन, इसके माध्यम से हमको वोट पड़ रहा है और जो उत्साह का वातावरण देखने को जो मिल रहा है, निश्चित ही जीत सुनिश्चित है, लेकिन अंतराल जीत का कितना होगा ये 12 तारीख को पता लगेगी।